खबर लखनऊ से। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस लगातार कस रही है अपराधियों पर शिकंजा। लखनऊ पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर द्वारा लखनऊ में अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने और पूर्व में घटित घटनाओं में गिरफ्तारी के निर्देशों पर पश्चिम पुलिस आयुक्त सोमेन वर्मा एवं अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा के निर्देशन में इंद्रप्रकाश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चौक और हरिशंकर चंद्र प्रभारी निरीक्षक ठाकुरगंज में मुखबिर की सूचना पर 25 नवंबर पर गुल लाघाट मोड़ के पास दो शातिर अपराधी कौशल किशोर सिंह और हसनैन खली खान उर्फ मुन्ना को एक देशी रिवॉल्वर एवं चार देशी तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी मड़ियाओ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कर जेल भेज दिया है। पुलिस की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को पनपने नहीं देंगे और अपराध का हर संभव सफाया करेंगे। इसी क्रम में थाना ठाकुरगंज की जो पुलिस है उसने सीपी सर और डीसीपी सर के नेतृत्व और निर्देशन में एक ऐसे जो शस्त्र आपूर्तिकर्ता के जो गिरोह हैं उनके दो अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 5 शस्त्र नाजायज शस्त्र एक साथ बरामद हुए। इनमें से एक देसी जो आपका जो 5 जिसमें रेंजेज होते हैं फायर के वो है और 4 देसी तमंचे भी। सर ये शस्त्र कहाँ से लाते थे और कहाँ बेचते थे? जो इनका इनके पास जो आपूर्ति का साधन है वो अभी तक की पूछताछ से यही ज्ञात हुआ है कि ये जनपद के बाहर से कहीं लेके आते थे वो, लेकिन अभी हम इस बिना इस पॉइंट पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे उन अपराधियों को जो इनके गिरोह के अन्य साथी हैं उनको अनुचित लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात है और हम इसको विवेचना में ले आ चुके हैं। अपराधियों का जो शेष अपराधी है उनके बारे में भी टीम हमारी सज्ज है और बहुत शीघ्र ही शेष अपराधियों का भी हम गिरफ्तार करेंगे।